अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। मैं फैल्कन लॉ सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। हमारी फर्म ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आवाम की कानूनी पहलुओं से आगाही के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पे बात करते रहते हैं। आज का हमारा उन्वान है जुबानी माहिरे की कानूनी हैसियत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जुबानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन कानून के मुताबिक अगर ये बात साबित कर दी जाए कि मुआहदा हुआ था जिसमें एक पेशकश की गई थी जो कि कबूल भी कर ली गई थी और इसके इर्ज मुआवजा भी अदा कर दिया गया था और इस अमल की तस्दीक की बाबत दो ऐनी गवाहान मौजूद हों जो कि अदालत में बयान दें, तो ये जुबानी मुआहदा कानून की नजर में एक कामिल मुआहदा होगा और इसको नाफिज किया जा सके। इसकी बाबत अदालत आलिया और अदालत मुस्तमन के कई फैसलों की नजीरें मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस तरह हमारा उन्वान इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस बाबत आपके जहन में कोई सवाल उभरे तो मेरे इस नंबर 03214384151 पर जो स्क्रीन पर आ रहा है आप किसी वक्त भी कॉल करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा प्रोग्राम लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।